नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, कट्टे की नोक पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी को लूटा। रामपुर से सबलगढ़ के बीच हीरामन मंदिर के पास बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार शाम के वक्त बदमाशों ने रामपुर के सराफा व्यवसायी अन्नुपुत्र सूरज सोनी से कट्टे की नोक पर नगद 12,000 रुपये व 3,000 रुपये कीमत का सामान लूट लिया। जब हमारे संवाददाता ने अन्नु सोनी से बात की तो उन्होंने बताया कि हीरामन मंदिर के पास मुझे दो बाइक सवार बदमाशों ने रोका और कट्टे की नोक पर मुझसे रुपये और सोने का सामान छीन लिया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। अपने नाम से? हाँ, मैं अनु सोनी रामपुर से सबलगढ़ की ओर जा रहा था, तो सबलगढ़ के पहुँचते हीरामन मंदिर के पास मैं दो बदमाश आए, उन्होंने मेरे सामने कट्टा अड़ा दिया और बोले जो है सामान वो अपने आप चुपचाप निकाल दे। मैंने उनसे बोला कि मैं गोली मत चलाना और जो सामान है वो मैं अपने आप ले जाओ, जो चाहिए वो मैंने अपने हाथ से, जो सामान था उसमें बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह थे, पैसे वैसे थे, वो मैंने अपने हाथ से दे दिए और दोनों के मुंह बंधे हुए थे और दोनों ये सामान लेके और गाड़ी से लेके सबलगढ़ की ओर निकल गए। आप इसके बाद सबलगढ़ सीमा में जगह आती है वहाँ आवेदन दिया है? हाँ, मैंने आवेदन दिया था सबलगढ़ में FIR की। उन्होंने आज की बोल दिया है, बोले आज पहले वो चेक करेंगे कैमरा वैमरा, उसके बाद बताएंगे।